गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं। मेरे को बालाजी जी का पाठ करते हुए आज हो गए 10 साल। दो चार बोल है जी बालाजी जी महाराज का कह रहा होगा, जो कोई रावण संवाद के बीच खतरनाक आ रहा है, हमारी जनता हल जानी चाहिए। ये युद्ध भूमि है वीरों की, कोई बच्चों का खेल नहीं। ये धारे है कुर्बानों की, कोई बच्चों का खेल नहीं। बैलाज बटन हो बनिया लाल हो बनिया दबा के और चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चोरी दिले इसी अपडेट है जी के थाने देवोरा। अभी तक महाराज जी का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर, अब थे माना देख को सबसे पहले मारा ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने। थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। राम राम सामो मनोज और थे देख रहे हो झलको। चुरू जिले के अंदर रामलीला लगातार आयोजित होने लग रही है। रामलीला कुछ आज पार्ट है जिसको आप रूबरू होगा बातचीत करांगा सो पहले, क्योंकि वर्तमान समय में जिलो आपने वाला जी की विशेष कृपा बनी जावे और बहुत सा श्रद्धालु है हरियाणा पंजाब सहित अन्य राज्य के श्रद्धालु भी अठे आवे है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तो सो पहले जय श्री राम। जय श्री राम। लगातार जो थे पार्ट है वो बालाजी को कर रहे हो, कितना सालों कर रहे हो और बालाजी महाराज को क्या संदेश रहा होगा आम जनता ने? मेरे को बालाजी का पार्ट करते हुए आज हो गए 10 साल और मैं चाहता हूँ कि जो देश में आजकल नवयुवक बच्चे हैं सभी और हैं तो वो अपने नशा पता सब छोड़ दे और सभी बहुत अच्छा काम करें और जो हो सके तो ज़्यादा बालाजी का भगवान महाराज का नाम ले। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं जो रामलीला में पार्ट करता हूँ मेरे को 10 साल हो गए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं बालाजी का रोल कर रहा हूँ। इससे मेरे को बहुत बड़ी खुशी मिलती है, मेरे घर वाले को बहुत बड़ी खुशी मिलती है, सभी देखते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो बालाजी या भगत शिरोमणि बालाजी ने कह जाओ है राम का भगत हाई बढ़िया, तो जहाँ दो कोई दो चार बोल है जी बालाजी महाराज का कह रहा होगा, जो कोई रावण संवाद के बीच खतरनाक आ रहा है, हमारी जनता हल जानी चाहिए। जैसे महाराज लक्ष्मण मूर्छित हुए थे युद्ध के अंदर तो मैं संजीवन बूटी लाने गया था, तो वहाँ से गया था मेरे को कम से कम संजीवन बूटी लाने में काफ़ी टाइम लगा और लक्ष्मण जी के लिए जो भी मैंने संजीवन बूटी लाया था तो उससे उनके प्राण बच गए। बालाजी वो पार्ट है जी को कर रहे हैं और जी का अंगद को परिचय की बात करा तो के परिचय रहे हैं? अंगद बाली का पुत्र था, बाली मरते समय रामचंद्र जी ने आपका सेवक बना लिया, फिर बाली रामचंद्र जी का सेवक रहा और जब तक सीता माता की सुधि नहीं लगी तो अंगद लंका में रावण के सामने समाध करके और पैर जमाया और बोला था राजा रावण तुम्हारे जितने बलवान हैं उसको मेरे पैर उठाने के लिए ताकत है तो वो पैर उठा ले और जा मेरे पैर न पकड़, श्री रामचंद्र जी के जाके पैर पकड़ जो तुमको क्षमा करेगा। अपने बैलाज बटन हो बनिया लाल हो बनिया दबा के और चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चोरी दिले इसी अपडेट है जी के थाने देवोरा। महाराज क्या बन रहे होते हैं? तो मनोत्री को जी का पार्ट करें भाई साहब अपने साथ जुड़े भाई साहब, एक तो क्या नाम है थारू? मेरा नाम लोकेश सैनी है भाई साहब। अच्छा सैनी जी, मतलब मनोत्री को कौन सो मुख्य पार्ट रहे और दूसरी के बहुत समझायो तो मार्गदर्शकान थे क्या समझाना चाहोगा मतलब मनोत्री के रूप में? मनोत्री को मेन पार्ट तो जी वही है कि रावण ने बहुत समझाया कि अपना पुत्र गया सब कुछ गयो अब थे मान जियो, पर रावण की है मुक्ति के चक्र में माना को नहीं वो ठीक है। जैसे आज का मानवाना घर में तो लड़ाई हुई है नहीं पर पीछे हट जानो चाहिए आई कहनी चाहूँ, मतलब मनोत्री को मेन पार्ट तो वही है भाई साहब। मतलब बहुत जी समझायो तो थे दो ही बात समझानी चाहूँगा क्योंकि आजकल लड़ाई तो बहुत चल है ग्राम। हाँ जी बहुत चल है, वो तो चल ही है अधिकांश ग्राम चल ही है। वो चला के गया नहीं रावण हाथी वो यहीं चल जा रही है अभी तक। हाँ वो सारी बात है। इन्हें क्या कोई मिटाने को कोई संदेश है वर्तमान समय खातर? है ना मिटाने को संदेश तो देखो कि दोनों ने सह समझती हूँ आपको झगड़ो है वो निपटा लेना चाहिए, बाहरी क्षेत्र में बात नहीं जानी चाहिए दोनों मिटाने पे नहीं कार्य क्षेत्र में तो ही हो सके सर नहीं युद्ध हो जाए नहीं युद्ध हो जाए। और हेमंत जी व्यास है अपना सगा जी का आज की कवरेज पूरी पूरी करवाई है और हेमंत जी है जी का कई पार्ट भी करे शायद विश्व मित्र को करे करोगे हेमंत जी? ये नाट्यशाला के अंदर लगभग मैंने 5-6 साल हो गया जितना भी साधु संतान जी का पार्ट आवे वे किरदार से मैं ही निभाऊँ और हाँ 2-3 साल थोड़ा डिस्टर्ब होने के कारण और दैनिक दिनचर्या गए थोड़े व्यस्त आ गए चलते थोड़ा समय तो कम मिले लेकिन फिर भी बिजी से माँ समय निकाल के नाट्यशाला में आवा आऊँ सगड़ा माँ सहयोग करा और जितना भी साधु संतान पार्ट जी विशिष्ट को है विश्वामित्र को है अत्रि को है वाल्मीकि को है
और साधु रावण हुए जितना भी पार्ट है सगड़ा मैं ही करूँ। ब्राह्मण रूप में रहो तो एक दाता दाता कोई मंत्र उच्चारण। गजाननम भूत गणादि सेवितम कबीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पार्ट क्यों कर रहे होते मेघनाथ? ये कोई श्लोक है जी, वो बहुत डेंजर तरीकों में बोलो थे। ये युद्ध भूमि है वीरों की, कोई बच्चों का खेल नहीं। ये धारे है कुर्बानों की, कोई बच्चों का खेल नहीं। तो ईशा किरदार तैयार करके और मैं बाद में है जी लीला फिल्माई है जी की जावे, क्योंकि अमूमन आप हर जगह रामलीला हाईवे में आगे का पार्ट तो आप देखा यहाँ आज वेकेंड में थाने मिलाने की कोशिश करी हूँ। ये चीज़ को रोल करो मैं श्रवण और भरतू पार्ट। श्रवण का कोई विशेषता तो हुआ है ये बोली कौन पाया थाने? श्रवण एक माता पिता भक्त हो वो मतलब कि बहुत ही आपके माता पिता की सेवा करी। मेरा माता पिता अंधा और वृद्धा तो बे जी मान लो कि तीर्थ कड़ी कर गए अकेला आ कौन सकता, वो कावड़ बना गए और तीर्थ करवा गए आपके माता पिता ने। तो जब दशरथ की नगरी में अयोध्या के मायने वो निकल रहे हो जब इन्हें की है कि दशरथ का भी जिगा राजा राज्य वाला जिगा गाँव वाला तो वन है आपकी खेती के मायने जंगली पशुओं भय हो जंगली पशुओं आवागमन ज़्यादा हो तो बह के बोले अगर राजा ने जाकर शिकायत लगाई कि भाई मारे ज़्यादा हो रही है जंगली जानवरों बह जो बांगो थे मारो निपटार करो। तो राजा दशरथ सरवण तो भर रहे हो पानी और राजा दशरथ नहीं लगे कोई जंगली जानवर पानी पी रहे तो बे मतलब कि इतना बड़ा धनुर्धारी आ कि बस शब्द वेदी बाण चलायो मतलब कि जिकी साइड से आवाज़ आ रही है बी साइड आवाज़ वो बाण चलायो तो वो सरवण के लाग गयो और फिर आपने दशरथ ने अफसोस भी हो कि आपने बचो कोई निरपराध मर गयो लेकिन बे में भी भगवान की लीला ही बे मरने के बावजूद बेगा सरवण का माता पिता बने श्राप दियो भी श्राप के वजह से ही राजा दशरथ के चार पुत्र होया और श्राप दियो कि जिया मैं हमारे पुत्र के विलाप में दुखी होकर रो रहा नहीं जिया जिकी टाइम तू मरेगो नहीं तो तने भी तेरा एक भी पुत्र तेरे पास में को नहीं। क्रम है जो क्या लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगा। जय जुरू जय राजस्थान जय हिंद।